गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज से मेहमान आने शुरू हो गए हैं और आज मैं बहुत 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 बिजी हूँ क्योंकि अभी दीदी और आने वाले हैं और अभी तक मैंने काफ़ी काम कर लिया है। देखो मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, सबको मेरी कढ़ी बहुत पसंद है तो कढ़ी बन चुकी है अपनी। पर क्योंकि वो जल्दी आ गए हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी प्याज के पराठे बनाएंगे तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्याज काटती हैं। और पता है आपको मैंने क्या किया कि रात के लिए भी दाल और भरता मैंने अभी बना दिया ताकि हम सारा दिन, क्योंकि बाजार के काम आप बातें और ये सब कुछ करने वाले हैं तो हमने पहले ही ये सब कुछ करके रख दिया है। तो फिलहाल रायता हमारा हो गया है तैयार और प्याज के मैंने कटिंग कर ली है, इसको वो पीस कर इनके पराठे बनेंगे और वी कंटिन्यू विद मी। एंड क्या होगा कि तारा फरवर नहा रही है क्योंकि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। जब वो आएंगे उनका वेलकम हम कैसे करेंगे ना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यार आपको पता ही है हमारा ध्रुव सुबह उठते बुक हो जाता है तो अभी फ़िलहाल मैं ध्रुव को कढ़ी के साथ फुलका दे रही हूँ क्योंकि कढ़ी उसकी फेवरेट है, पहले उसे देती हूँ। इतने में दीदी और आ जाएंगे, फिर उसके बाद देखो आप मेरे नेल्स, कल तरह ने रात को बैठ कर मेरे नेल्स किए हैं तो मुझे बहुत पसंद आए हैं नेल्स, मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मेरा काम तो हो गया भाई और अब मैं फटाफट से ज़्यादा बात आपसे नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। तो फिलहाल और यार गर्मी कितनी है देखो तो, कितनी गर्मी है, मैं अभी देखो ओके से स्वेटिंग हो रही है और जबकि पास में मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ है। तो फिलहाल मैं करती हूँ काम और आप स्टे कंटिन्यू विद मी। गए और हमने अभी तक तिलक की भी तैयारी नहीं की है, रुकिए। तो आ गए हमारे मेहमान जल्दी आ मेरी प्यारी बेटी और अरे अरे फिर हमने मेहमानों का स्वागत आरती के साथ किया चलो तिलक लगाएगी तरु अब। तो ये हैं मेरे सबसे बड़े दीदी और जीजू, अभी गाड़ी पार्क ही कर रहे हैं, अभी आने वाले हैं। और ये दीदी जीजू ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जैसे हैं उनके जाने के बाद, तो उनका आना घर में सबसे पहले कि जैसे मम्मा पापा का आना है। और ये आ गए हमारे जीजू गाड़ी पार्क करके और इस तरह ने आरती करी और फिर लगाया तिलक और ये आ गया मिलने पापा के जाने के बाद। ये जीजू ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने दी। हाँ मिली, दीदी ने आराम कर लिया, जी अजी उस रूम में सोए हुए हैं और हम हो गए हैं तैयार। दीदी अभी तैयार हो रही है और फिर हम ना नाश्ता वाश्ता तो हो गया है, सब कुछ करा लिया, तो अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पार्लर में, फिर उसके बाद थोड़ा दीदी को मार्केट का काम करना वो करेंगे और बस फिर ये सब करके फिर हम घर आके लंच वंच करेंगे। खाना अपना तैयार ही है, आपने मेरे साथ करवाया था याद है ना, हमने कढ़ी बना दी है तो बस फाइनली डन। श्री को देखो, श्री इज रेडी, ये मेरी मेरे भाई की बेटी है एंड शी इज रेडी, मेरी क्यूटेस्ट गर्ल। और हम सब जा रहे हैं, श्री सबको है और ये रही तरु बांदरी, अभी अपना तैयार हो रही है और श्री हेलो करो हेलो तो बस अब हम लोगों के रेडी और अब निकलेंगे। हमने कुछ पार्लर का काम तो करा लिया है और अब हम जा रहे हैं नीति को लेने क्योंकि थोड़ी सी नीति को मेरे साथ शॉपिंग करनी है, तो अब हम सारे नीति को लेंगे और फिर मार्केट चलेंगे। तो रेड लाइट थी तो अब रेड लाइट हो गई है खत्म और हम चल रहे हैं। फाइनली नीति डार्लिंग आ गई है गाड़ी में तो फिर हाय कैसे हो, बहुत अच्छी। अब हम सारे मिलकर जाएंगे शॉपिंग करने। तो चल पड़े हम फ्रेंड्स, दीदी और मेरी वो फ्रेंड नीति और हम लोग निकल पड़े बाज़ार को। हमें छोटे छोटे सामान लेने थे और बहुत सारी कपड़े करनी थी। एक्चुअली मैं नीति चाह रही थी कि जो उसे मेरे को गिफ्ट करना है वो मेरी चॉइस का ही दे, इसलिए हम लोग बाज़ार जा रहे थे और मुझे और भी बहुत काम थे, नीति को भी हेयर कट लेना था और इस तरह के काम थे। एक्चुअली मैं क्या हूँ, मेरे भाई के बेटे के लिए कुर्ता पजामा लेना था तो फिर हम आए हुए हैं लेने के लिए और हमें कलर पसंद नहीं आ रहे हैं तो अब बस यही है कि कोई अच्छे सा कलर मिले उसके लिए कि उसे क्या पहने। तो बच्चा है ना, कॉटन भी चाहिए तो देखते हैं क्या होता है। और नीति ने देखो कुछ ले लिया है, ये देखिए नीति ने ले लिया है तरह के हाथ में, तो नीति का काम तो हो गया। दीदी ने भी कुछ लिया है, रिंग्स वगैरह वो उनके अभी बैग में है और फिलहाल हम लोग खरीद रहे हैं कुर्ता पजामा।
और छोटे बच्चे का, और उसके बाद फिर चलेंगे हम कहीं और। कुर्ता पजामा पसंद आ गया है मेरे भाई के बेटे के लिए, तो अभी फिलहाल हम करवा रहे हैं इसको पैक और बाकी और देख रहे हैं। यार हमारे तो हिसार में भी इतना ट्रैफिक है ना कि मत पूछो, कितनी देर हो गई, आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर जाम में खड़े हैं और अभी तक जाम नहीं हिल रहा, देख लो क्या हाल है। फुटवेयर लेने आए थे तो यहाँ, ये मेरी फेवरेट शॉप है, मैं हमेशा अपने फुटवेयर ना इसी शॉप से लेती हूँ, मिड टाउन में शॉप है, तो अब हमें पसंद आ रहे हैं यहाँ पर ये वाले फुटवेयर, तो फिर हम फाइनली ये फुटवेयर लेने वाले हैं। तो आगे तरह पहन के देख रही है, देखते हैं क्या होता है फिर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, यार कल का दिन कैसे ख़त्म हुआ ना, मैं ख़त्म करते हुए दिखाई नहीं पाई, हम लोग इतना थक गए मार्केट में कि मैं बस बता ही नहीं सकी, और ना ही आप लोगों को गुड नाइट कह पाई। बट अभी मैं, हम लोग उठ गए हैं सुबह के 8 बजे, मैंने एज यूजुअल अपनी वॉक कर ली है, शिवू को घुमाई आई हूँ, और किचन में मैंने क्या किया ये देखिए, सारा मसाला इकट्ठे तैयार कर लिया है, अभी ये ठंडा हो रहा है, फिर उसके बाद ना इकट्ठे ही मसाला सारा तैयार कर लेंगे ताकि जब गेस्ट आएंगे तब हम मतलब फटाफट से मसाला डालकर और सारे काम हो जाएंगे, है ना। तो फिलहाल हमारी कृष्णा आ गई है, कृष्णा आ गई, वो चुप रही है, कह रही है मेरी ना बनाना, तो कृष्णा आ गई है, वो अपना घर संभाल लेगी, बस ये काम भी हो गया है और बाकी अब बस अब मैं आगे के काम करती हूँ। चहल पहल हो रही है इधर से, यहाँ पर मेहंदी लग रही है, जाओ मेहंदी लगवा लो। हाँ ये मेहंदी लगवा चुकी है प्रीति डार्लिंग, तारा लगवा चुकी है, ध्रुव कुछ पता नहीं कुछ नहा चुका है ध्रुव, और ये हमारी गुन्ना हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई है, खोदा बाहर निकली चुकी है। अरे नहीं खोलो भाई खोलो, गिफ्ट क्या है तेरा, बीच में आ गई है हमारी मेहंदी, आप खोलो घर की गन्ना धोता खोले। जी आजी ने कहा तुमने कोई नहीं खोल रहे, मैं ही खोल देता हूँ, देखो हमारा गिफ्ट खुल रहे हैं, और गुन्नू मतलब हमारे साथ साथ गुन्नू भी एक्साइटेड है, हमारा क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या रिस्पॉन्स। अरे वो क्या है, रुक, ओ माय गॉड, यो यो ब्यूटीफुल, देखो नहीं एक डिफरेंट है, ये बुद्धा वाले है, दिखा ओपन, यार ओसम, लुक एट दिस, मुझे इसको पता है ना, मुझे बुद्धा का हर जगह पसंद है, तो व्हाट शी ब्रिंग, देखो ब्यूटीफुल, बहुत 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 खूबसूरत, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा खूबसूरत, बेस्ट गिफ्ट, वाओ गुन्नू बहुत प्यारा है, शेरों के लिए ये, और शेरों शेरों वाले दिन से एक और बुद्धा लाया, वाओ बहुत सुंदर, हद से ज्यादा, इतना भी रूम करेगा ना, डेलिकेट भी है यहाँ आएगा, ये मिला तरह को गिफ्ट, एक प्यारा सा गिफ्ट ये तरह को मिला, और ब्यूटीफुल सी ड्रेस, और उसकी शक्ल देखो कितनी खुश खुश खुश, और ये मिला गुन्नू दीदी की तरफ से प्रीति रानी को गिफ्ट, ये देखो वाओ सो क्यूट, दोनों मजे कर रही हैं, और ये गिफ्ट मिला मुझे। इतने सारे गिफ्ट्स के साथ ही हमारे दिन की एंडिंग हुई, और बहुत मजा आया आज भी पूरा दिन, गुन्नू आ चुकी थी और हम इसको एंजॉय कर रहे थे, बस फिर आज का दिन यहीं, बाय बाय।